नमस्कार, मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की है। उस करंट अफेयर की सीरीज में हमारा जो पहला वीडियो था वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर पे था। आज की जो दूसरी वीडियो होगी वो भी आपके जो रिसेंटली जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को लेकर के अगर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन, तो वो अवार्ड से ऑनर से क्वेश्चंस जो होंगे हमारे वो इन वीडियो में हम और भी इन चीज़ों को एक छोटे से छोटे वीडियो में इन चीज़ों को कंपाइल करते हुए आसानी से इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ पे हमारी जो पहले हमारा जो पहला अवार्ड्स है हमने उसमें कल देखा, उसमें हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ अवार्ड्स के बारे में देखा था। ये हमारा जो दूसरा अवार्ड है इसके बारे में हम कुछ और अवार्ड्स के बारे में समझेंगे जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका व्यास सम्मान है। हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दो आपके तीन क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो आपका व्यास सम्मान, एक सरस्वती सम्मान के बारे में बताया था मैंने वहां पे। तो एक व्यास सम्मान भी अभी हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये 1993 में ये अवार्ड जो हुआ था के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था। चलिए इसमें ध्यान देते हैं, इस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये के बिरला फाउंडेशन के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। यहाँ पे इस पुरस्कार की बात करूं मैं तो इस पुरस्कार में जो आपको धनराशि दी जाती है वो आपको 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। आगे अगर इसके बारे में और जाना जाए तो इस समय जो आपके वर्ष 2023 के लिए 9 मार्च 2023 को जो अवार्ड दिया गया वो आपको दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी जो आपके झांसी जिले के, यहाँ पे बताएं आपके उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रहने वाले हैं, वहीं पर उनका जन्म हुआ था, उनको दिया गया है ये ज्ञान चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया है, आपका व्यास सम्मान दिया गया है। इनके बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी दी जाए तो ये आपके मध्य प्रदेश में एक हृदय रोग पर एक प्रसिद्ध चिकित्सालय है, उसमें ये उनपे कार्यरत थे और अभी अभी उन्होंने 30 वर्ष से अधिक ज़्यादा इस अस्पताल में काम करने के बाद इन्होंने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ठीक है, इसी इन्हीं को अगर देखा जाए तो ज्ञान चतुर्वेदी को शरद जोशी सम्मान, जो मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस शरद जोशी सम्मान से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो व्यास सम्मान आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट को जरूर देखेंगे। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह अवार्ड मिला हुआ है। चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं दूसरे अवार्ड की तो आपको पता है ये अवार्ड तो बेसिकली आपका 2022 का है, लेकिन अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। इससे पता नहीं कितने क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार है, तो नोबेल पुरस्कार जानने से पहले किनको मिला, किनको कहां मिला, तो उनको जानने से पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार जो बहुत ही आपके अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके सम्मान में यह अवार्ड दिया जाता है 1901 से। आपको पता है कि स्वीडन के ये आपके थे, स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल थे, 1901 में हर साल दिया जाता है ये अवार्ड, हर साल अवार्ड दिया जाता है। बस 1942 और 1945 के अराउंड में ये वर्ल्ड वार के चलते अवार्ड दिया नहीं गया था। चलिए 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि थी, 10 दिसंबर को इनको पुण्यतिथि पड़ती है, इसी 10 दिसंबर को पुण्यतिथि पे इनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें से आपको पता है अभी जो अवार्ड दिया जाता है वो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 अलग अलग क्षेत्रों की बात करूं तो इनमें आपको बताया जाए भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 पहले दिया जाता था, अभी जो रिसेंटली दिया गया है, जोड़ा गया है आपको 1968 में, वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अवार्ड दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगर बात करूं मैं तो 1901 में तो ये आपका इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ये मैंने बता ही दिया आपको। थोड़ा सा देखेंगे 1968 में आपको बताया मैंने अभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 में ये पहला अवार्ड दिया गया किसको, ये आपको पहला अवार्ड दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो वर्तमान में 6 स्थिति है, 6 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है आपको, ध्यान देंगे। 1974 के बाद ये मरणोपरांत जो होता है उसमें ये नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया देना, ध्यान रखना एक 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 वर्ष में किसी भी क्षेत्र में 3 से ज्यादा लोगों को ये अवार्ड दिया नहीं जा सकता है। ये भी ये नोबेल पुरस्कार का एक आपका एक फॉर्मेट है, इसके इसकी एक होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और अगर मैं बात करूं जो अन्य 5 हैं वो आपके स्वीडन की राजधानी आपके कहां पे, स्टॉकहोम में दिया जाता है।
तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि शांति का नोबेल नॉर्वे में, और जो आपका ये स्वीडन के, और जो आपका ये क्या है आपका अन्य जो पांच हैं वो आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार आपके 2020 के लिए, तो ये नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए अगर मैं बात करूं तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो बेसिकली आपको दिया गया किसको, पहला पुरस्कार, एक पुरस्कार, ये तीन लोगों को दिया गया है। पहला अगर मैं यहां बात करूं, दूसरा यहां बात करूं, और तीसरा आपका ये है, तीन अवार्ड, तीन लोगों को नहीं बेसिकली ये दो लोगों की बात करूं मैं, तो ये तो आपके दोनों आपके क्या हैं, ये संस्थाएं हैं, और ये आपका एक पर्सन है, ये पर्सन को दिया गया, ये बेलारूस के हैं बेसिकली। इनकी बात करूं तो मैं एलेस बियालियात्स्की हैं जिनको दिया गया, ये बेलारूस के हैं, और बेलारूस में इन्होंने, बेलारूस में क्या है, लोकतंत्र नहीं है, उसी के विरोध में लगातार विरोध कर रहे हैं, इसके लिए इनको दिया गया। दूसरा एक मेमोरियल संस्था है, मेमोरियल एक संगठन है जो सोवियत संघ के, सोवियत संघ के दौरान हुई थी इसकी इसकी स्थापना, ध्यान रखेंगे, इसमें इनको मिला है आपको। और अगर मैं बात करूं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के बारे में मैं बात करूं तो 2007 में यूक्रेन में इसकी स्थापना की गई थी, और आपको पता है कि इस समय यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा था उसके चलते इनको क्या है, उनको दिया गया सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया वो आपको दिया गया एनी एनॉक्स को दिया गया, ये साहित्य का नोबेल, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, और इनका बात करूं मैं तो इनके ये आपके इंपॉर्टेंट जो हैं, ये इनके इनके लिखे हुए कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ किताबें हैं, इनके बारे में आप जानकारी ले लेंगे, जैसे जर्नल टू डेहोश है, ये आपका एक्सटीरियर्स है, आपका यालावी एक्सटीरियर है, थिंग सीन है, ये सारे इनके लिखे हुए बुक्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। एनी एनॉक्स हैं, इनका जन्म 1940 में हुआ था, साहित्य का नॉवेल पाने वाली ये आपकी फ्रांस की हैं। चलिए रसायन के नोबेल की बात करूं तो तीन लोगों को दिया गया, दो लोग आपके कौन से हैं, यूएसए के हैं, कौन से, कैरोलिन बर्टोजी जो हैं आपके यूएसए के हैं। बैरी सार्प्लेस के बारे में एक बात जान लें, बैरी सार्प्लेस जो हैं उनको एक बार और अवार्ड मिल चुका है 2001 में, किसमें, आपके 2001 में इनको एक अवार्ड मिल चुका है, किसके बारे में, आप तीसरे जो थे आपके वो थे आपके मॉर्टन मेंडल जो डेनमार्क के हैं, ये मॉर्टन मेंडल के इसमें है, डेनमार्क के हैं, इनको देख लेंगे। इस क्षेत्र में इनको दिया गया है किसके, रसायन के लिए इनको जो दिया गया है वो अवार्ड रसायन के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो ये अवार्ड दिया गया ना, वो अवार्ड दिया गया स्वीडन के ही नागरिक को दिया गया, स्वीडन के ही एक आदमी थे उन्हीं को दिया गया, और उनका नाम स्वांत पैबो है, स्वांत पैबो को ये अवार्ड दिया गया, और किसके लिए दिया गया, ये विलुप्त हेमिनिन के लिए दिया गया, जो आपके मानव विकास के जीनोम से संबंधित ये इन पर रिसर्च कर रहे थे, इन्हीं रिसर्च पे इनके रिसर्च को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया, तो इसके बारे में आप देख लेंगे। आगे चलेंगे। भौतिकी का नोबेल तीन लोगों को दिया गया, एक लोग फ्रांस के हैं, एक अमेरिका के, और एक ऑस्ट्रिया के, ठीक है, इनमें तीन लोगों को दिया गया। पहले जो हैं आपके एलन एस्पेक्ट हैं, फ्रांस के हैं, दूसरी बात करूं जॉन ए क्लॉसर जो अमेरिका के हैं, और तीसरे को आप देखिए, तीसरे आदमी को आप देख ही रहे हैं, एंटोन जिलिंगर है, ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो इनमें इनको किसके लिए, फिजिक्स में इनको किसके लिए दिया गया, तो ये उलझे हुए प्रोटॉनों के प्रयोगों के लिए, बेल असमानताओं के लिए, और आपके अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया गया, जो ऑस्ट्रिया के अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया था, बेल असमानता के लिए जॉन ए क्लॉसर को, और एलन एस्पेक्ट को उलझे हुए प्रोटॉनों के प्रयोग के लिए ये इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र का नोबेल, तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो 1968 से लागू किया गया, 1961 में पहली बार दिया गया। आपको पता है कि ये तीन अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, तीन इकोनॉमिस्ट को दिया गया है, बेन बर्नानके है आपको, डगलस डायमंड, फिलिप डायबिगो, ठीक है, ये आपके तीन हैं, इनको ध्यान रखेंगे। वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में जो बैंकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर इन्होंने राय दिया था, और इस पर इन्होंने बताया था कि कैसे इन पर क्या इससे लागू होना चाहिए। आपको पता है 1968 में ये शुरू हुआ था, और 1969 में ये अवार्ड आपको दिया गया था पहली बार। चलिए
एबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो एबेल पुरस्कार को नोबेल के इक्विवेलेंट माना जाता है, इनको एकदम बिल्कुल एक समान माना जाता है, नोबेल के समान माना जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर नोबेल के समान माना जाएगा ना, लेकिन एबेल पुरस्कार जो होता है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और गणित के क्षेत्र में देने वाला जो पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो आपका क्या है, आपका एबेल पुरस्कार है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको इसकी जो शुरुआत की गई थी ना नील्स हेनरिक के द्वारा करी गई थी, ध्यान रखना नील्स हेनरिक के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। अगर मैं बात करूं नॉर्वे की सरकार के द्वारा, ये भी आपका नॉर्वे की सरकार के ही द्वारा दिया जाता है, 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2003 में इसको क्या किया गया था, पहला पुरस्कार दिया गया था, जो कौन थे आपके जीएन पियरे, कौन थे आपके जीएन पियरे को पहला पुरस्कार दिया गया, इस बारे में ये देख लेंगे। और इस वर्ष का जो आपका 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है वो 23 का एबेल पुरस्कार आपके लुईस कैफरेली को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद कर लेंगे लुईस कैफरेली, तो लुईस कैफरेली को ये अवार्ड दिया गया है। ये बिल्कुल आपके पीडीएफ के माध्यम से ये सारी चीजें बताई जा रही है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट सारी चीजें समझाई जा रही है, जो आपके वन लाइनर हैं, और बार बार आपको एक जगह सारी चीजें एक जगह कंपाइल करके आपको दी जाएंगी और दी जा रही हैं। चलिए अगर मैं बात करूं प्रिट्जर पुरस्कार की, तो प्रिट्जर पुरस्कार जो होता है बेसिकली ये दिया जाता है आपको आर्कटिक, एक ऐसे आर्किटेक्ट को दिया जाता है, बेसिकली ये आर्किटेक्चरल के फील्ड में ये दिया जाने वाला एक नोबेल पुरस्कार के इक्विवेलेंट माना जाता है। माना जाता है कि अगर ये अवार्ड पा जाए तो वो आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही फेमस वर्ल्ड लेवल पे ये किया जाता है। ध्यान रखेंगे प्रिट्जर परिवार जो अमेरिका के शिकागो में रहते थे ना, उनके द्वारा ये अवार्ड का शुरुआत की गई थी, कब, 1979 में, ध्यान रखना, और हयात फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। एवरी ईयर, हर साल, साल दर साल ये अवार्ड दिया जाता है, और अगर साल दर साल अवार्ड दिया जाता है, जैसे वास्तुकला का, देखो मैंने अभी बताया कि वास्तुकला का नोवेल दिया जाता है, वास्तुकला का नोवेल कहा जाता है ये, देखेंगे। अगर मैं बात करूं अगर इस वाले अवार्ड को, तो इस वाले अवार्ड को अगर बात करूं मैं, तो इसमें आपके आपके $1,00,000 की बात करी जाती है, $1,00,000 की बात करी जाती है, और ये कांस्य पदक की, कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहां पे, ये सर डेविड फील्ड चीपर फील्ड हैं, सर डेविड चीपर फील्ड जो हैं, इनको इस बार का ये आपका दिया गया है प्रिट्जर पुरस्कार, तो इनके बारे में आप देख लेंगे, ठीक है, इन सारी चीजों में आप देख लेंगे, इस अवार्ड को आप देख लेंगे, इस अवार्ड के बारे में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रिट्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं मार्कोनी पुरस्कार की, तो मार्कोनी पुरस्कार भी एक तरह से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर वैज्ञानिक, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके, उनको दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। कंप्यूटर साइंटिस्ट को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, ये आपका मार्कोनी पुरस्कार है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, तो अगर इनके बारे में बात करूं मैं, तो इसकी जो शुरुआत करी गई थी ना वो मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा दी जाता है, और मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा इनकी शुरुआत किया जाता है, इनको देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो एडवांस सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटलाइजेशन में जो ये चीज दिया जाता है, इस चीज के बारे में, डिजिटल इंक्लूसिव बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उनके बारे में ये किया जाता है। भारत के, एक बात बता दूं, हरि बाला कृष्णन जो थे, इनको इस वर्ष 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है, इस वर्ष 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। किसको, कंप्यूटर वैज्ञानिक कौन है वो, आपके हरि बाला कृष्णन की बात करी गई। अगर हरि बाला कृष्णन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लें, तो ये देखेंगे, ये MIT कहां पे, मैसाचुसेट्स, जो आपके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विभाग के प्रोफेसर हैं। समझ में आया, ये बात करी गई हरि बाला कृष्णन के बारे में, ठीक है। इनको, बाला कृष्णन को पुरस्कार कहां से दिया गया, आपके वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग, और आपके कौन से, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मौलिक योगदान के लिए ही अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखेंगे IIT मद्रास से पढ़े हुए हैं ये, इनके बारे में भारत के हैं, ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के, आपके भारत के निवासी हैं। चलिए अब मैं बात करूं बुकर पुरस्कार की, तो बुकर पुरस्कार बेसिकली आप ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं नोबेल के बाद ना, तो नोबेल के बाद जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना, वो सबसे बड़ा अवार्ड है आपका कौन सा, बुकर पुरस्कार, नोबेल के बाद साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें किसी ऐसी फिक्शन, मतलब आप कोई ऐसी पुस्तक लिखते हैं जिसके बारे में बात करी जाती है, जो बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी, जो जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है, और जो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में पब्लिश हुआ,
हो, ध्यान रखेंगे प्रकाशित हुई हो, उसमें बात करी जाती है इसके बारे में। 50,000 यूरो की इसमें राशि दी जाती है। और अगर बात करी जाए तो इसकी शुरुआत की, तो 2005 में इसकी शुरुआत करी गई थी। 2005 में किसके द्वारा शुरुआत करी गई थी? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहले ये 2 वर्ष का था, पहले ये 2 वर्ष का होता था, लेकिन अभी क्या है, अभी इसकी अभी ये हर साल दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज और था कि जब इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी ना, तो ये बताया गया था कि केवल ब्रिटेन के नागरिकों को ही अवार्ड दिया जाएगा। यहां पे यूनाइटेड किंगडम, सॉरी, यहां पे जो यूनाइटेड किंगडम है इसी का नागरिक हो उसी को यह अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन बाद में 2015 में यह शर्त हटा ली गई और सबको यह अवार्ड दिया जाने लगा। इंटरनेशनल लेवल पर यह अवार्ड हो गया आपका बुकर प्राइज। ध्यान रखेंगे, अगर मैं बताऊं इस्माइल कादरी को, तो इस्माइल कादरी जो थे इसके प्रथम विजेता थे। इस्माइल कादरी जो थे वो आपके प्रथम विजेता थे। अब 2019 में मैन ग्रुप को क्या किया गया, मैन ग्रुप ने इसका स्पॉन्सरशिप बंद कर दिया था। तो अब ये केवल प्राइज क्या कहा जाए, मैन बुकर ना कह के अब ये प्राइज, ये जो प्राइज है, जो सम्मान है, पुरस्कार है, ये कहा जाता है आपका किसमें, ये बोला जाता है आपके किसके लिए, केवल और केवल बुकर पुरस्कार के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज नाम से इस अवार्ड को घोषित किया जाता है। भारत मूल के 7 लेखकों को मिल चुका है ये अवार्ड, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी जो आपका रिसेंटली ये 2023 में जो आपका 2023 के लिए जिस आदमी की मैन बुकर प्राइज के लिए ये आपका अवार्ड घोषित किया गया है, वो है आपके पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन को यह अवार्ड दिया जाएगा। उनके किस उपन्यास के लिए? पियरे उपन्यास के लिए उनको दिया जाएगा। समझ में आया, 2023 का मैन बुकर प्राइज जो है वो किसको दिया जा रहा है, आपका पेरुमल मुरुगन को दिया जा रहा है। किसके लिए? उनके उपन्यास पियरे के लिए। 2016 में ये उपन्यास आया था, उसके लिए ये दिया गया था। तो ये करंट अफेयर की सीरीज की अवार्ड्स एंड ऑनर की आपकी दूसरी वीडियो है। इसी तरह की वीडियो के लिए अभी और आप इंतजार करेंगे तो आप इस तरह की वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, नमस्कार।